जेजी से जरूर पता चल सकता है बड़ी भाभी के उस संदूक में रखे बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में। हम आपकी मदद करते थे जेजी। आपके आने से कितना कुछ बदल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सबको सहारा मिल गया है। और बड़ी भाभी वो तो बहुत अच्छी है, सब काम संभाल लेती हैं, सबको कितना संभल के चलती हैं। बड़ों का साया तो बहुत जरूरी है बच्चों पर। ये सब कुछ कल्याणी के कारण ही संभव हो पाया है। उसने हमें समझाया कि परिवार का दायित्व पूरा किए बिना संन्यास लेना पलायन कहलाता है। कली, मंजीमा, हम गौरी से कब मिल पाएंगे? जब हम जानते हैं कि आपको गौरी से मिलने का बहुत दिल है, लेकिन ये सही समय नहीं है। आपको चुपचाप यहीं रहना होगा। और ये सब तो हम गौरी के लिए कर रहे हैं ना, है ना? उस संदूक में खिलौने क्यों थे मंजीमा? क्या हुआ मंजीमा, आपको कुछ और भी मिला क्या? कुछ पेपर्स है, आपको समझ में नहीं आएगा। सुनो मंजीमा, उसमें जो कुछ भी है वो सबको सच बताने के लिए काफी नहीं है ना? अब हमें बड़ी भाभी के मुंह से ही सच निकलवाना होगा, लेकिन बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, उन्हें शक ना हो जाए, नहीं तो वो हमें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। कितना पावन था आज का उत्सव। ऐसा लग रहा था माताजी स्वर्ग से आशीर्वाद दे रही थी हम सबको। जी भैया। जेजी देखिए, अम्मा जी को जो मिठाई पसंद थी हम वो ही लेकर आए। लीजिए। बड़ी भाभी, वैसे तो बड़े हमेशा ही छोटों को खिलाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटों को भी बड़ों को खिलाने का मौका मिलना चाहिए। देखो कितना स्नेह से बहू खिला रही है। जी मंजरी बहू, ई दुगना मिठास को हम चौगुना कर देते हैं। आधा हम अपना हाथ से तुमको खिलाएंगे, बाकी आधा तुम बाद में हमको खिला देना। अरे ये बच्चा सबको ना हम बाहर घर के खेलना स्टॉप पे करा देंगे। जब देखो तब बॉल घर के इनसाइड आ जाता है। मंजरी बहू का मन में क्या चल रहा है समझ नहीं पा रहे हैं हम। पहले तो हमारा कागज चोरी कर ली, फिर कल लट्टू में कुछ मिला के हमको खिलाने का कोशिश भी कर रही थी। कहाँ जा रही है? हाँ बाहर जा रहे। बाहर? हाँ प्रकृति के पास, हवा खाने। आप अंदर चलिए हमारे साथ, आराम कीजिए, आइए अंदर। सुन री पवन पवन पुर भैया, मैं हूँ अकेली तू सहेली मेरी। भाभी बाहर क्या करेंगे हम? मैं अकेली तू सहेली मेरी पंजा। अरे एक और गाना याद आया हमको, हम गाएंगे। नहीं हम गाएंगे, घर चलिए।
चढ़ गया पापी बिछुआ हो दया रे चढ़ गया पापी बिछुआ। बड़ी भाभी ये बिच्छू कैसे आया था गौरी के कमरे में? हम बताते हैं। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं हम। उस बिच्छू ने गौरी को काटा कैसे? कैसे हम ऐसे चढ़ गया पापी बिच्छुआ। उस बिच्छू को आप ही लाई थी ना भाभी? एक दूजे का प्यार में माँ बेटी दोनों फंस गया। तुम नहीं ना सोची कि अगर काली पकड़ा जाएगी तो उसको जेल वापस भेज देंगे। वो गत करेंगे वहाँ जेलर ईका के पहचान में नहीं आएगी। हमारी कली को वहाँ वापस मत भेज। आपको जो सजा देनी है हमें दे दीजिए। हमारी कली को माफ कर दी। हमको तो बस सजा पर विश्वास है।